हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो, आई एम नवीन शर्मा। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी प्रोवर्ब्स सीखने वाले हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती हैं लोगों को बोलने में इंग्लिश में, और लेकिन उनका प्रयोग काफ़ी मात्रा में होता है। तो किस तरह की वो कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स हैं, चलिए हम समझते हैं। पहली है सोने पर सुहागा, तो इसका अर्थ है आइसिंग ऑन द केक, अर्थात एक प्रॉफिट हुआ, साथ में एक और मिल गया, तो आपका ये आइसिंग ऑन द केक। जैसे आपको जॉब मिल गई और ऊपर से एक लॉटरी भी मिल गई, तो इसका अर्थ है कि आपको दो एक साल प्रॉफिट मिल गए, तो आप कह सकते हैं इट इज आइसिंग ऑन द केक। अगला है सब समय सब कुछ सही कर देता है, जैसे जैसे समय गुजरता है तो सब कुछ सही होता जाता है, तो हम कह सकते हैं टाइम इज अ ग्रेट हीलर, समय सब कुछ सही कर देता है। ऐसे भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलें गॉड्स मिल ग्राइंड्स करते पीसना, गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर, अर्थात भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। सी अगला है दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को होए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोज मेड इन स्टॉर्म आर फॉरगॉटन इन काम। वोज का अर्थ है प्रतिज्ञा, प्रोमिसज, वायदे, जो स्टोर में बनाई जाती है तूफान में, लेकिन उन्हें भुला दिया जाता है, फॉरगॉटन भुला दिया जाता है, कब, जब तूफान शांत हो जाता है, काम मतलब एकदम शांत स्थिति में भुला दिए जाते हैं सब कुछ। अगली जो प्रोवर्ब है वो है जाको राके शाइयाँ मार सके ना कोई, इसे बोलते हैं दो तरह से कह सकते हैं, पहला ही हुम गॉड स्टीयर्स इज सेफ, या फिर और करेक्टली बना सकते हैं द वन हु इज प्रोटेक्टेड बाय गॉड कैन नेवर एवर बी किल्ड, इस तरह से हम बना सकते हैं। अगला है मुरझाए हुए फूल अच्छे नहीं लगते, तो इसे भी हम कह सकते हैं फेडेड फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटीफुल, या फिर कह सकते हैं फेडेड फ्लावर्स डू नॉट लुक ब्यूटीफुल। तो इस तरह से हम इन प्रोवर्ब्स की इंग्लिश बना सकते हैं और अपने डिस्कशन में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं, और दे कैन मेक एन ग्रेट इफेक्ट, एक बहुत ही जो है अच्छा इफेक्ट बना सकती हैं कहावतें। तो इन प्रोवर्ब्स का प्रयोग आप लोग राइटिंग में भी और स्पीकिंग में विशेषकर प्रयोग कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें ताकि और लोग भी हमसे जुड़ पाएँ, और अपना जो फीडबैक है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जो भी आपका फीडबैक है। फॉर टुडेज़ वीडियो थैंक यू सो मच।